मतलब पानी का लेवल भी इतना ज़्यादा उठा नहीं है, मतलब ऑल्दो सितंबर में अगस्त में पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक ये सब डूब जाती हैं सीढ़ियाँ, अभी इतना ज़्यादा पानी ऊपर नहीं आया, ये सब डूब जाती है। देख लो बंदर कितने हैं। What's up everybody? This is me Nikhil and आज का vlog भाई साहब दोपहर को शूट कर रहे हैं और आज का टाइम है, मतलब अभी का टाइम है 12 बजने वाला है एंड अभी जा रहे हैं बिठूर, कुछ काम है बैंक में, तो सोचा कि थोड़ा आपको दर्शन देता चलूँ। मौसम का फिलहाल धूप आती जाती है, धूप आ रही है जा रही है, तो ऐसा कुछ है माहौल, मतलब कि बाइक में वर्क कराया था लास्ट वीडियो में, मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में वो व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें दिखा नहीं पाया था, तो आज हम दिखाएंगे इसमें हमने क्या क्या काम कराया है और हमारी नताशा मतलब कितनी सुंदर लग रही है, तो सारी बातें आज दिखाएंगे, तो उसका मतलब क्या क्या पड़ा है सब कुछ बताएंगे, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना और लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और बिठूर का सीन कुछ ऐसा कि जो ये सुधांशु आश्रम है ये भी बंद है इस समय लॉकडाउन में, और जो कानपुर में 25 तारीख से तो लॉकडाउन होने वाला है, फुल वाला लॉकडाउन हो जाएगा, तो देखो कैसा क्या माहौल रहता है। वैसे तो अभी तो 10 जगहों पे लगा है, मतलब 10 थाने हैं कानपुर के, तो वहाँ पे सिर्फ लॉकडाउन लगा है। और जो हेलमेट इतना ज़्यादा पसीने से ख़राब हो गया था, मतलब इसमें स्वेटिंग टाइप की हो गई थी, तो इसको कल हमने ड्राई क्लीन करवाया था, ड्राई क्लीन करवाने गए थे लेकिन बट उसका व्लॉग नहीं बना पाए, वहीं से जहाँ से हेलमेट लिया था, मतलब जहाँ से हेलमेट हमने परचेस किया था वहीं से ड्राई क्लीन कराया है, 270 रुपये लिए थे उसने ड्राई क्लीन करने के, तो मतलब बहुत अच्छा रहता है कि हेलमेट आपका गंदा नहीं होता है, मतलब जो उसमें समझते हो मतलब जेम्स वगैरह कीटाणु ना हो, तो इसलिए ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए, क्योंकि और तो गर्मी चल रही है और कोरोना टाइम, तो कोरोना में ज़रूर कराओ ना सारा काम, मतलब सफाई रखो, और तो हम सैनिटाइज़र और मास्क तो ले कर चलते हैं क्योंकि बैंक वगैरह मतलब कहीं पर भी भीड़ बहुत होती है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। कुर्ता पजामा काल देख सकते हो मनु द्वार, मतलब मौसम देख सकते हो, ये कुछ सीन बहुत अच्छा लगता है जब पेड़ होते हैं ना और नीचे से होता रास्ता, तो क्या नज़ारा होता है। तो हम जब छोटे थे ना, मतलब 9th स्टैंडर्ड में था, तो मेरा स्कूल यहीं बिठूर में था, तो मैं जब आता था पढ़ने तो इतनी ज़्यादा दूर लगता था, एक तो ऑल्दो साइकिल से मैं आता था, तो रेंजर साइकिल थी मेरे पास तो उससे आता था, तो बहुत ऐसा लगता था अरे कितनी दूर, ऑल्दो 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता था। यह आया SBI बैंक और फिर इसके आगे है बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बाइक करते हैं पार्क। ओ भाई साहब कितनी अच्छी पार्किंग मिल गई, यहाँ पे लगाएंगे अपनी बाइक मस्त एकदम सेफ एंड साउंड, नताशा को धूप में नहीं खड़ा करने का। तो भाई साहब सेफ्टी सबसे पहले, तो इस काम पूरा हो चुका है अब निकल लाइट, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रस्सी इसीलिए बंधी है कि इसको ऐसे पकड़ के सीटो कोई पकड़ के ना। ओ भाई साहब मतलब कि आप देखो कितनी तेज़ धूप निकल आई है, और बजे हैं अभी 12:30 बजे हैं, धूप देखो जोरों की निकल आई है। बिठूर में रास्ता चौड़ी नहीं हो पा रही है, जो सड़क है ना जैसे पहले थी आज से 7-8-10 साल पहले वैसे आज भी है, क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ घर बने हैं तो सड़क चौड़ी तो हो ही नहीं सकती, या तो घर टूटेंगे।
ये बाबा होटल है, मिठूर का बहुत ज़्यादा फेमस था एक समय, हमारे ज़माने में यहाँ पे बहुत सारे मतलब जितने भी स्कूल के बच्चे होते थे जब छूटते थे स्कूल से, मतलब छुट्टी होती थी तब यहीं पर आके खाते थे। बाबा होटल बहुत ज़्यादा फेमस था। ये बस वाला नहीं निकलने दे रहा मेरे को, हॉर्न दे रहा हूँ इसको बार बार, और ना ये निकलने देगा। कैसे नहीं निकलने देगा बे, लॉकडाउन हटे तो आपको थोड़ा सा नाना पार्क का भी नज़ारा दें, कुछ नई अपडेट्स होंगी तो वो दिखाएंगे। लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ लेट हो रही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबका काम धंधा रुका हुआ है भाई साहब, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है ब्लॉगर्स का। भाई साहब लग रहा है बिठूर पूरा सुनसान है, बंदर बंदर बिठूर में बंदर बहुत है, बंदर बंदर। तो यहाँ तो बाइक यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। तो ऑल्दो अभी ज़्यादा मतलब जब सावन का सोमवार होता है ना तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब जोरों की भीड़ रहती है। ऑल्दो लॉकडाउन भी है और सावन भी चल रहा है तो जो स्नान करने वाले आते हैं मतलब श्रद्धालु जितने भी आते हैं बिठूर, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो देख सकते हो मतलब पानी का लेवल भी इतना ज़्यादा उठा नहीं है, मतलब ऑल्दो सितंबर में अगस्त में पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक ये सब डूब जाती हैं सीढ़ियाँ, अभी इतना ज़्यादा पानी ऊपर नहीं आया ये सब डूब जाती है। देख लो बंदर कितने हैं। तो माहौल कुछ काफ़ी अच्छा, देख सकते हो वहाँ पे जो कटरी वगैरह है, मतलब कटरी इलाका बोलते हैं, तो वो जितना भी दिख रही है आपको मतलब वो सब झाड़ वगैरह है तो सब डूब जाता है पानी में। तो इधर से नज़ारा दिखाएंगे थोड़ा सा, तो पूजा पाठ भाई साहब मतलब इतना ज़्यादा पुराना है ना कि घूमते घूमते थक जाओगे, काफ़ी बड़ा भी। देखो 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 कैसे कूद रहे हैं, ओहो बंदर कीड़े मकूड़े, ये पेड़ भी कितना पुराना है, मतलब नज़ारा यहाँ पे शाम को आने बहुत मज़ा आती है, शाम को या सुबह। लॉकडाउन में सब कुछ सुनसान है, देखो कितना ज़्यादा मौसम अच्छा रहता था, मतलब तो हर साल खूब भीड़ खूब ज़्यादा रस रहता था यहाँ पे, बट तो थोड़ा सा नज़ारा आपको दे दिया कि थोड़ा सा नज़ारा। तो ये कुछ माहौल है, पहले ये आज से 4-5 साल पहले ये पूरा जो बना है ये नहीं बना था, तो यहाँ पे धूप रहती थी तो जितने भी टूरिस्ट मतलब बाहर से आते थे यहाँ पे तो उनको धूप वगैरह का होता था, तो ये चीज़ अभी बनी है, मैं भी आया हूँ तो काफ़ी दिन बाद ये चीज़ देखी है। तो ये प्रसाद वगैरह मिलता है, तो लॉकेट्स वगैरह मतलब हर चीज़ मिल जाती है, पूजा का सामान वगैरह, ये मूर्तियाँ वगैरह मिल जाएंगी और सब लॉकेट्स वगैरह। तो आइए कभी बिठूर भी आइए। तो अमिताभ बच्चन जी बुलाते हैं गुजरात, बट हम बुलाएंगे बिठूर, आइए और मारो बिठूर। ओहो ओहो 200 200 200 वाला खेल खत्म हो गया है कॉज ऑफ 200 कैमरा ऑफ कर दे है मोहित सलमाट, बिठूर आना तो कभी भी मिल लेना जरूर, यहीं कहीं लगाएंगे छांव में।
मस्त इधर ला। तो भाई साहब ये है हमारी नताशा, बढ़िया चमका के लाए हैं घर से। तो काम क्या क्या हुआ है देख सकते हो। सबसे पहले इसमें हमने अपना इंस्टाग्राम आईडी लिखवाई है, यूट्यूबर कनपुरिया निखिल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, तो दोनों साइड में कराया है यूट्यूबर कनपुरिया निखिल। तो इस काम को बहुत ही मतलब काफ़ी नाप से हुआ है कि इतना यहाँ पे आए और इतना फिर यहाँ से हो जाए, तो एकदम करेक्ट। और फिर यहाँ पे पहले चैनल का नाम लिखा था निखिल ब्लॉग्स। सो अब लिखवा दिया है कनपुरिया निखिल। तो देख सकते हो आगे से कुछ ऐसा आता है नताशा का सीन। एंड मेन मुद्दा ये है कि बाइक में जो ये टैंक है सबसे ज़्यादा स्क्रेचेस लगी, कुछ सामान रखो तो कुछ ना कुछ इसमें खुरापेची हो जाती है। सो इसमें पूरी टैंक में मतलब लेमिनेशन हुआ है वाइट से, जैसे कि आप देख सकते हो कहीं कहीं बारीक बारीक आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब ऑल दो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये सब देख सकते हो। ये मतलब इस टैंक में कराया है और जो ये होते हैं इसमें कराया है, दोनों में मतलब कि ऐसा होता है जो पिलियन बैठेगा पीछे तो उसको उतरने मतलब जो भी उतरने चढ़ने में जो ये चीज़ होती है इसका पेंट बहुत जल्दी जाता है। तो बाइक में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर करती है, एक ये और ये और ये, इतना पार्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा रफली यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें लेमिनेशन कराना बहुत ज़्यादा मस्ट है। मतलब आप ज़रूर कराओ अपनी बाइक में, आपके पास कोई भी स्पोर्ट बाइक है तो आप ज़रूर कराना अपने टैंक में और ये इस चीज़ में। और तो यहाँ पर भी कराना चाहिए था बट उसके पास टाइम नहीं था, जहाँ पे बाइक में लेमिनेशन कराने गए थे तो उसने यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे हो गया, इसमें हो गया। और तो एक चीज़ और सोच रहा था कि मैं इसमें कराता बट उसने वो कहने लगा कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक हुआ है सिर्फ लेमिनेशन। देख सकते हो यहाँ से पूरा मतलब पूरे टैंक में हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक। और पीछे भी यहाँ पे लिखवाया है कनपुरिया निखिल। तो लो फुल ऑफ व्यू ये है देख सकते हो। तो बस आज का मतलब यही चीज़ दिखानी थी। तो इतना काम कराने में भाई साहब तुम्हारे भाई को लग गए मतलब कि 3.5 घंटे देख सकते हो, सिर्फ इतना काम कराने में। तो बस अब चल रहे घर को, बस ये चीज़ दिखानी थी कि क्या क्या हमने कराया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम नहीं दिखा पाए थे। और एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि लास्ट मतलब कि अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम कभी भी मॉडिफिकेशन का काम अगर कराएंगे तो भाई साहब नताशा को कुछ और ज़्यादा नियॉन कलर का कुछ वर्क कराएंगे, जो उसका अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील में एक मैंने स्टिकरिंग सोची थी, ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा शायद अगर वो काम हो गया तो स्टिकरिंग इसकी मंगाएंगे। तो अलॉय व्हील्स दोनों हैं तो उसमें नियॉन वर्क कराएंगे, सो और खूबसूरत लगेगी हमारी नताशा। एंड बस आज का व्लॉग इतना ही, सब आज का व्लॉग बस एंड करते हैं। एंड अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, यहीं कहीं पे होगा देख सकते हो। एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगता है, व्लॉग कैसा लगता है, और आप क्या देखना पसंद करते हो, फूड व्लॉगिंग या मार्केट वगैरह का, आपको क्या देखना है, मतलब आप क्या देखना, बाइक का देखना चाहते हो, ट्रैवल देखना चाहते हो, रोड ट्रिप देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ, हम वही दिखाएंगे आपको। एंड सबसे अच्छी चीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो तो लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पे। तो मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, आज का व्लॉग बस इतना छोटा सा मतलब शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, बाय। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं, ये आज का नहीं, आज से 10 साल पहले का यही पूरा सीन है कि बच्चे इधर से उधर भागते हैं, तो एक्सीडेंट भी बहुत हो चुके हैं। तो यहाँ से निकलना तो संभल कर निकलना। और लो गुड बाय।